पॉजिटिव बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद मिश्रा। दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। लोग नवरात्र में व्रत भी रख रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं और माँ दुर्गा की पूजा भी कर रहे हैं। अलग अलग दिनों में माँ के अलग अलग रूपों का हम लोग विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। इन दिनों में व्रत और दान पुण्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, दान पुण्य का मतलब हम अक्सर यह लगा लेते हैं कि किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दिया जाए जिसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ किसी वस्तु को देने मात्र से ही दान की पूर्ति नहीं हो जाती है। दान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, इसका विस्तार बहुत ही गहरा है। दान उसे भी कहते हैं जब हम किसी को ज़रूरत के समय उसके काम आ जाते हैं। दूसरों के मुश्किल के समय में काम आना भी एक दान है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे हम आपको आज एक कहानी सुनाने वाले हैं और उस कहानी से आप बखूबी इस बात को समझ जाएंगे। कहानी महाभारत की है। महाभारत में युधिष्ठिर ऋषि वेद व्यास से बड़े अलग ढंग से प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दान बड़ा है या तपस्या। व्यास जी ने कहा, अगर मैं ऐसे ही बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक मुद्रल नाम के महर्षि थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन चला रहे थे। भिक्षा में उन्हें आटा, खाने पीने की चीजें, हवन सामग्री, ये सब मिल जाता था। इन्हीं चीजों में से वे अपने लिए भोजन बनाते और हवन आदि से पूजन पाठ करते थे। महीने में 2 दिन वे भूखे ही रह जाते थे। अब ये 2 दिन थे अमावस्या और पूर्णिमा के। इन 2 तिथियों पर ऋषि मुद्रल के यहाँ दुर्वासा ऋषि आया करते थे। दुर्वासा मुनि को खाना देने के बाद मुद्रल जी के पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। दुर्वासा जी ये बात जानते थे। एक दिन उन्होंने मुद्रल जी से पूछा, आप मुझे खाना देकर खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके चेहरे पर चिंता, परेशानी या भूख के लक्षण नहीं देखे। मुद्रल जी ने कहा, मेरे लिए दान सबसे ऊपर है और अन्न दान तो सर्वश्रेष्ठ है। आपको खाना खिलाकर मैं वैसे ही तृप्त हो जाता हूँ। देवदूतों ने ये बात सुनी तो उन्होंने मुद्रल ऋषि से कहा, आपकी जगह स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में वही जाते हैं जो पुण्य करते हैं। पुण्य तप और दान से मिलता है। जिस व्यक्ति के पुण्य अधिक होते हैं वह स्वर्ग में जाता है और जिसके पुण्य खत्म हो जाते हैं वह नरक में जाता है। अन्य दान से आपके पुण्य बढ़ गए हैं। मुद्रल ऋषि ने कहा, दान पुण्य से मिलता है, इस बात का समीकरण मैं नहीं बैठाता, मुझे सिर्फ दान करना है। तपस्या कभी कभी स्वयं के लिए की जाती है, लेकिन दान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही किया जाता है। दान से पुण्य बढ़ेगा ये बात नहीं सोचना चाहिए कभी भी। व्यास जी ने युधिष्ठिर से आगे कहा, दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना ही दान है, इसीलिए दान तब से भी श्रेष्ठ है। दोस्तों, दूसरों के मुश्किल समय में काम आना दान है। जो लोग तन, मन, धन और जन का दान करते हैं उन्हें प्रकृति बदले में कुछ न कुछ अच्छा उपहार जरूर देती है। इसलिए दोस्तों अगर नवरात्र में आप भी दान करना चाहते हैं तो आप खाने का दान करें, उन लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करें। भूखे पेट सो जा रहे हैं किसी न किसी वजह से, उन लोगों को खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। लोगों के मुश्किल समय में उनके काम आने की कोशिश करें और ये सबसे महत्वपूर्ण दान है। मैं फिर से मिलूंगा किसी नई स्टोरी के साथ, एक नई सीख के साथ, कल प्रातः 7 बजे। आज का आपको हिंदी पॉडकास्ट सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।